हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, जॉब प्रोफाइल सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने कल वाले वीडियो में आपको असिस्टेंट टीआरडी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी की एक पोस्ट है आपकी, जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली पोस्ट है, जिसको शॉर्ट में ATM भी बोला जाता है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। तो यहाँ पे बेसिकली आपका काम क्या रहता है, किस तरह से आपका ड्यूटी आर रहता है, वर्कलोड कितना रहता है और कितना यहाँ पे सैलरी बन जाता है बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बात करते हैं सबसे पहले असिस्टेंट ट्रैक मशीन की जो पोस्ट होती है, इसमें आपको समझना होगा कि आपका काम क्या रहता है। तो देखो, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ट्रैक को बनाने के लिए, ट्रैक को रिपेयर करने के लिए, ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए बड़ी बड़ी मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं। उन्हीं मशीन को जो है ट्रैक मशीन बोला जाता है। अब ये जो ट्रैक मशीन होती है, ये कोई एक टाइप की नहीं होती है। लगभग इंडियन रेलवे में 20 प्रकार की अलग अलग ही मशीन होती है, छोटी बड़ी मिलाकर। कुछ इसमें बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, और सभी का जो काम है वो भी अलग अलग होता है। तो आप एज अ असिस्टेंट अगर ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप डी में और आपको ATM वाली पोस्ट मिल रही है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली, तो आपकी ड्यूटी किसी भी मशीन पर लग सकती है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको कोई स्टेशन अलॉट नहीं होता है, इसमें आपका एक पूरा डिवीजन रहता है। उस डिवीजन में कहीं पे भी आपको जाना हो सकता है। हो सकता है कि आपको आज जो है, आज जिस स्टेशन पर आप हो, कल उससे 50 किलोमीटर अगले स्टेशन पर आप काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे काम स्टेशन पे नहीं रहता है, यहाँ पे काम ट्रैक पे रहता है। ट्रैक को रिपेयर करना, कहीं पे अगर नया ट्रैक बिछाया जा रहा है तो वहां पे ये मशीनें काम करती है, तो वहां पे आपको एज अ हेल्पर काम करना होता है। यहां पर अगर मैं स्टाफ की बात करूं तो इसमें आपके SSC यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, उनके डाउन में यहाँ पे JE यानी कि जूनियर इंजीनियर काम करते हैं, उनके डाउन में आपके साथ टेक्नीशियंस होते हैं, और उनके टेक्नीशियन के डाउन में आप एज अ हेल्पर काम करते हैं। यहाँ पे जो है प्राइवेट लेबर यानी कि आउटसोर्सिंग पे जो लेबर यूज होती है वही काम करती है। जैसे ट्रैक को बिछाना है तो वहां पे पत्थर वगैरह बिछाना, मतलब बहुत सारा काम तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग वाली जो लेबर है वो करती है। आपका काम होता है मशीन पे रहना, मशीन को कहां ले जा रहे हैं, मशीन के साथ में जो टूल कैरी करते हैं उनकी देखरेख करना, मशीन के छोटे मोटे काम करना, यानी कि आप ट्रैक मशीन पर एज अ हेल्पर काम करते हैं। आपके ऊपर टेक्नीशियंस होते हैं, उनके ऊपर JE होते हैं, उनके ऊपर सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं। इस तरह से बेसिकली यहाँ पे काम रहता है। यहाँ पर मोस्टली जो वर्क रहता है वो दिन में ही रहता है, लेकिन कई बार इमरजेंसी में रात को भी यहाँ पे काम करना पड़ सकता है, यानी कि नाइट ड्यूटी यहाँ पे ज्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। एक सबसे बड़ा बेनिफिट इस पोस्ट का क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी आपको जो है बहुत अच्छा खासा ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है, जिस तरह से आपको असिस्टेंट TRD वाली पोस्ट में मिलता है। अगर आप ट्रैक मशीन पे ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जितना आप एक दिन में रन करते हैं, मान लो आपने 50 किलोमीटर तक का जो ट्रैक है उसका इंस्पेक्शन किया, वहां पे रिपेयरिंग किया, कुछ भी काम किया, तो वो आपका TA में काउंट हो जाता है, ठीक है। ग्रुप डी वाले एम्प्लॉय को 500 रुपए पर डे के हिसाब से यहाँ पे TA मिल जाता है जब वो 8 किलोमीटर की रेंज से बाहर ट्रेवल करते हैं इस मशीन पे, ठीक है। तो प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या मिलता है कि आपको जो है सैलरी बूस्टर मिल जाता है TA यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस के रूप में, और सैलरी आपकी बहुत अच्छी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें वर्कलोड की, तो वर्कलोड यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट रहता है, डिफिकल्ट वर्क यहाँ पे ज्यादा नहीं रहता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पे घर नहीं जा सकते, आपको लगातार यहाँ पे काम करना होता है। मतलब कि क्या होता है कि आपको एक कैंपिंग कोच मिलता है, एक प्रॉपर कोच बनाया जाता है, उसके अंदर बेड होते हैं, उसके अंदर आपका छोटा सा किचन होता है, बाथरूम होता है नहाने के लिए, मतलब एक तरह से पूरा घर वाली फैसिलिटी आपको मिलती जरूर है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि देखो घर तो घर ही होता है, आपको जो है इस कैंपिंग कोच में ही रहना होता है। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं किसी ट्रैक पे और वहां पे कैंपिंग कोच में आप रात को सोएंगे, वहीं पे नहाना धोना खाना सब उसी में होगा, हालांकि सोने की, पंखे की, AC की सारी सुविधा वहां पे होती है, जैसे कि स्क्रीन पर भी आप लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है थोड़ा कंफर्ट आपको नहीं मिल पाता है। तो वर्क की अगर बात करूं तो इजी टू मॉडरेट यहाँ पे वर्क रहता है। आपको साथ में लोको पायलट मिलता है जो आपके कोच को चलाने के लिए, यानी कि जो आपकी मशीन है उसको चलाने के लिए रहता है, पर्टिकुलरली आपके साथ रहता है। अब यहाँ पे जैसे कई तरह की मशीनें होती हैं, पैकिंग मशीन होती है और आपकी जो है और भी लगभग 20 तरह की यहाँ पे मशीन होती है, कहीं भी आपकी ड्यूटी रह सकती है। तो अगर बात करें प्लस पॉइंट की, तो प्लस पॉइंट यहाँ पे रहता है सैलरी। दूसरा प्लस पॉइंट रहता है कि इस काम में आप थोड़ा बोर नहीं होंगे, क्योंकि एक पूरा ग्रुप होता है 8 से 10 लोगों का, और ग्रुप में आप इंजॉय भी करते हैं। आप जैसे कई बार क्या होता है कि सिर्फ आपको 2 से 3 घंटे ही काम करना होता है, बाकी टाइमिंग आपका ट्रेवल में ही गुजर जाता है। मान लो आपकी जो मशीन है उसको 50 किलोमीटर आगे कहीं ले जाना है, तो आराम से आप अपने ग्रुप के साथ मस्ती करते हुए जा सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। वहां पे आपको
दो तीन घंटे काम करना होता है, फिर आपको प्रॉपर जो है रेस्ट मिलता है। यानी कि यहाँ पे वर्क तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सैलरी अच्छी है और छुट्टी वगैरह की भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ग्रुप होता है तो ग्रुप में छुट्टी भी इजिली मिल जाती है। बाकी रहने खाने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक घर वाला कंफर्ट आपको इस पोस्ट में नहीं मिलता है। तो ये बेसिकली इसकी यहाँ पे डिटेल्स ही। नाइट ड्यूटी यहाँ पे बहुत कम रहती है, दिन में ही आपकी ड्यूटी रहती है। अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई के लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं, अगर आप इस तरह से पढ़ सकते हैं ट्रैवल करते हुए तो आप इसमें पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो ये पूरी यहाँ पे जानकारी थी आपकी असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली पोस्ट की। मैंने ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पे किस पोस्ट की जॉब प्रोफाइल आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।